हेलो एवरीवन, अब मैं होने जा रही हूँ तैयार और तैयार होकर मिलूँगी आपने मायके में। तो देखिए, मैं आ गई हूँ मायके में। मुझे अब 1 घंटा हो चुका है और बहुत देर से ऐसी टोली चल रही थी और अब फाइनली करने जा रहे हैं राखी टीका। तो इस समय ऐसी टोली चल रही है और ये है मेरे बड़े भैया। छोटे भैया तो आए नहीं हैं, तो वहाँ पर उनको बड़े सिस्टर ने राखी बांध दी है और उनका भी अभी वीडियो कॉल आया था। वीडियो कॉल रिसीव करने के बाद हम लोगों ने फिर फाइनली बड़े भैया की राखी बांधी। तो सबसे पहले बांधी थी बड़ी सिस्टर ने राखी और उसके बाद मैंने बांधी है। तो अभी मैं आपको दिखा दूँगी कि मेरी सिस्टर, उनको मैं ऑलरेडी आप लोगों से मिलवा चुकी हूँ और आज फिर वो दिखेंगे। आज एक चीज़ कॉमन है हम में और उनमें, और आप लोग देखिएगा, बताइए कि हम में उनमें आज क्या चीज़ कॉमन है। और भाई को मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है तो वो शाइन करके बता रहे हैं। और उसके बाद मैं राखी निकाल रही हूँ तो सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, क्या राखी बांधना भूल गई। तो मैंने कहा नहीं, राखी मैंने बांधना नहीं भूल गई, बस मैंने पैकिंग से निकालने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर दिया। तो उस पर सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और मुझे भी बहुत हंसी आ रही है। और ये मेरी बड़ी सिस्टर ने जो राखी बांधी है उसमें लिखा हुआ वीरा, तो मैं बोल रही हूँ वीरा रे। तो ये मेरा छोटा बेटा करके देख रहा है कि वाकई में वीरा रे लिखा हुआ है क्या। ये है मेरे मामा जी का लड़का और ये हर साल हम लोगों से राखी बनवाने आता। इसका नेचर बहुत ही फनी है और जितनी देर ये रहता है उतनी देर इतना हंसी मजाक चलता है कि समझिए ही नहीं टाइम कब और कैसे निकल जाता। और आज का ब्लॉग बहुत छोटा सा है, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि इतने लोग आ रहे थे जा रहे थे, शूट करना पॉसिबल ही नहीं हो पाया। क्योंकि पहले मैं आई, फिर सिस्टर आई, फिर उसके सिस्टर की बेटी आई और फिर ये मामा जी का लड़का आया। तो उसमें मैं शूट करना ही भूल गई कि मतलब आज ध्यान ही नहीं गया कि कैमरा भी मुझे उठाना है। मैं इन लोगों में इतना ज़्यादा रम गई। तो बस ये थोड़ा सा शूट मेरी बेटी ने किया था और बस आज के ब्लॉग में इतना ही आप लोगों से दिखा पाई हूँ। इसके बाद हंसी चटोली का माहौल बढ़ता ही चला जा रहा है और इतनी ज़्यादा मतलब फ़नी हो गया है माहौल की कोई जवाब नहीं। मेरी छोटी सिस्टर नहीं आई है क्योंकि उसका बेटा एडमिट है तो इसलिए वो नहीं आ पाई है। और कल हम लोगों को जाना है हॉस्पिटल, तो मैं कल आपको दिखाऊंगी कि हॉस्पिटल में उसकी क्या पोजीशन है और किस स्थिति में है जिसकी वजह से सिस्टर नहीं आ पाई। अब देखिए, मैं और मेरी सिस्टर में आप लोगों को क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मैं बता देती हूँ कि हम दोनों लोगों ने येलो कलर ही पहन लिया। जैसे ही सिस्टर आई, मैंने उनको देखा तो मैं शौक हो गई, मैंने कहा हम दोनों ने सेम कलर पहन लिया। तो भैया कह रहे हैं क्या आप लोगों ने पहले से प्लानिंग कर रखी थी? तो मैंने कहा नहीं, कोई प्लानिंग नहीं थी, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि हम दोनों की ड्रेसेस एक जैसी हो गई हैं। तो राखी बांधने के बाद हम सब ने फ़ोटो सेशन किया है और बहुत मस्ती माहौल हो गया है। तो आज का जो ब्लॉग था वो बहुत ही कमाल का था और काश मैं आपको पूरा दिखा पाती तो आप लोगों को और ज़्यादा मज़ा आता। तो बस थोड़ा सा ही ब्लॉग है, छोटा सा ही ब्लॉग है, जिसे आप लोग देखिए और पसंद कीजिए और कमेंट बताइए कैसा लग रहा है मेरा ब्लॉग। और ये है मेरी मम्मी, तो मम्मी का ये भतीजा है। तो हमारे यहाँ बुआ भी भतीजे को राखी बांधती है, हम लोग भी बांधते हैं, बट हमारे भतीजे इस बार नहीं हैं, वो गए हैं अपनी नानी के यहाँ। तो उसके बाद देखिए चालू हो गया है फ़ोटो सेशन, तो कुछ कमेंटबाजी हो रही है और देखिए देखिए नोट दिखा के फ़ोटो खींची जा रही है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलेंगे कल फिर, तब तक के लिए राधे राधे।